पास ये दसवें यानी कि दशमलव के बाद जो अगला स्थान है के लिए मैंने एक छोटा सा ग्रिड बनाया है, और ऐसे ही यह सोवें का एक ग्रिड है। इसमें 10 बराबर खाने हैं और इसी में इस प्रकार से 100 बराबर खाने हैं। और अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम दशमलव का अभ्यास इस एक्टिविटी के माध्यम से कर सकते हैं। मेरे पास कुछ बीड्स हैं, यदि मैं इनमें से 1, 2, 3 बीड्स को यहाँ दसवें खाने में रखता हूँ और इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बीड्स यहाँ सोवें खाने में रखता हूँ, तो जो दशमलव संख्या बनेगी वह बनेगी, क्योंकि दशमलव है तो दशमलव का स्थान, दशमलव का बिंदु हमने लगा दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि दसवें स्थान पर 3 बीट्स थे, तो दसवें स्थान पर आ गया 3, और सौवें स्थान पर 8 बीट्स थे तो सौवें स्थान पर आ गया 8। दशमलव से पहले यदि कुछ नहीं है तो 0। इस प्रकार से हमारी जो संख्या बन गई वह बन गई 0.38। इसी प्रकार से हम हाँ।